आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, अंबिकापुर से जहां पर विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी बनाए गए वीरभद्र सिंह समेत तीनों को जमानत मिल गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत से जमानत मिली है। तो बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है। शनिवार को घटना के बाद FIR के बाद गिरफ्तारी हुई थी और अब आपको बता दें कि यहां पर तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। तो आरोपी बनाए गए वीरभद्र सिंह समेत तीनों को जमानत मिल गई है। तो आपको बता दें कि आरोपी बनाए गए वीरभद्र समेत तीनों को जमानत मिल गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं, जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में यहां पर जमानत मिली है। शनिवार को घटना के बाद FIR के बाद गिरफ्तारी हुई थी। विधायक बृहस्पति सिंह पर हमले का पूरा मामला है, उन पर हमला करने का पूरा मामला है, उन पर हमला किया गया था और उसके बाद FIR की गई थी। FIR के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं अब आपको बता दें कि तीनों लोगों को जमानत जो है वो मिल गई है। तो अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। शनिवार को घटना के बाद FIR हुई थी आपको बता दें, और FIR के बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अब आपको बता दें कि तीनों आरोपियों को जमानत यहां पर मिल गई है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से अपडेट है इस मामले में? जी, उसे कुछ ही बताना चाहूंगा कि ये लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे। बृहस्पति सिंह के काफिले के ऊपर हमला हुआ था, उनके गार्ड के द्वारा FIR दर्ज करवाया गया था तीनों के नाम पर। एक वीरभद्र सिंह है जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, और दो उनके सहयोगी है। जो लगातार दो दिन से विवाद चल रहा था, इसको लेकर हमारे विधानसभा में भी लगातार मुद्दे चल रहे थे। डीएस सिंहदेव को सदन भी छोड़ दिया था और आज उनको जमानत मिली है जिला सत्र न्यायाधीश की तरफ से। जी सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।